हर एक जन्म में वैसा ही पिता चाहते। जब जब मेरा जन्म हो तो वैसा ही पिता। वह तिरंगा कंधे पर लेकर चला और तिरंगे में लिपट कर चला गया। बड़ा दुख की घड़ी है और हम सब पहसारा ग्राम में आए हुए हैं। आज हमारे साथी दीपक कुमार दीप जी का श्रद्धांजलि सभा है। वह दल निष्ठ व्यक्ति था, कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति था और एक राजनीतिक कार्यकर्ता का जो समाज सेवा की भावना चाहिए सो दीपक में मौजूद था। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है, यादें छोड़ जाता है। स्वर्गीय दीपक कुमार दीप उर्फ उमेश बाबू, जो कि वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उनकी एक पहचान रही, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जन सरोकार और हमेशा लोगों के लिए जीने वाले ऐसे पुरुष जो अब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कृति जैसा कि यहाँ के जो वक्ता आए हुए थे माननीय पूर्व विधायक श्री कृष्ण बाबू को हम देख सकते हैं, उपेंद्र प्रसाद सिंह मेहर साहब को देख सकते हैं, सब ने उनके व्यक्तित्व पर उनके विचारों को लेकर के आज उनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। मैं भी संपूर्ण केवी शूट की ओर से उनके प्रति भावनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। वो अमर थे, अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे और हम चाहते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। हमारे साथ मेयर साहब हैं। सर, आज प्रथम पुण्यतिथि है और दीपक बाबू से काफ़ी लगाव रहा है आपका, साथी थे आपके, लेकिन वो आपके बीच नहीं है, हम सबके बीच नहीं है, लेकिन उनकी कृति अमर है। दो सब आज बड़ा दुख की घड़ी है और हम सब पहसारा ग्राम में आए हुए हैं। आज हमारे साथी दीपक कुमार दीप जी का श्रद्धांजलि सभा है। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, हम सबों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने, चूँकि उनका नाम दीपक कुमार दीप, दो बार दीपक का संदर्भ आता है, तो उन्होंने अपने जिंदगी को ठीक दीपक के समान जीते रहे। दीपक अपने को जलाता है, दूसरे को रोशनी देता है। उन्होंने ता जिंदगी समाज में हमेशा अपने कष्ट में रहते हुए भी समाज के कष्ट को दूर करते रहे। मैं पुनः हम अपने साथियों की ओर से, आए हुए सभी सम्मानित सज्जन की ओर से तथा पहसारा वासियों की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और संकल्प लेता हूं कि उनमें जो कृतित्व और व्यक्तित्व जो हमें हमेशा अपने तरफ खींचती रही, कोशिश करूंगा अपने ज़िंदगी में भी जहां तक हो सके उनके फुटप्रिंट को हम अनुकरण करें, यही आज संकल्प लेता हूं और पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर आप देख सकते हैं इसी गांव के अभिभावक और उनके साथ काफ़ी सन्निकट रहे पूर्व विधायक श्री कृष्ण बाबू हमारे साथ हैं। दो सब सर, दीपक मेरा छोटा भाई था, वह तो चला गया। वह दल निष्ठ व्यक्ति था, कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति था और एक राजनीतिक कार्यकर्ता का जो समाज सेवा की भावना चाहिए सो दीपक में मौजूद था। वह तिरंगा कंधे पर लेकर चला और तिरंगे में लिपट कर चला गया। हमारे साथ पूर्व मेयर आलोक अग्रवाल जी हैं। दीपक हमारे सहपाठी थे, हम लोग 1967 में एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे। उनके जाने से हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं। हमें अभी भी उनका हंसता हुआ चेहरा याद आता है। वे सादगी के प्रतीक थे और वो जिस भी दल में थे बहुत ईमानदारी से काम किए और दल में रह करके जो गरीब गुरबा समाज, बहुत ही सामाजिक थे, गरीब गुरबा के लिए हमेशा वो आगे आवाज़ बनते थे, उनका काम करते थे। उनके जाने से हम लोग बहुत दुखी हैं और मैं उन्हें नमन करता हूँ, श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूँ। कहते हैं ना कि पिता के पद चिन्हों पर पुत्र चलता है और पिता को अपने पुत्र से काफ़ी उम्मीदें होती हैं। दीपक बाबू भले ही इस दुनिया में आज नहीं है, लेकिन उनके दो दिए, दो पुत्र आज अभी हमारे साथ हैं, हम नीरज और नवनीत, यानी हीरा और मोती की जोड़ी है। मेरे पिताजी बहुत सरल स्वभाव के थे, उनमें कोई दिखावा नहीं था, जो अंदर थे वही वो बाहर थे।
और जिस जगह रहते थे वह एक जगह ही बन के रहते थे, उधर उधर नहीं जाते थे और उनको किसी चीज़ की लोभ नहीं था। हम हर एक जन्म में वैसा ही पिता चाहते, जब जब मेरा जन्म हो तो वैसा ही पिता। तो आप देख सकते हैं ये भावुक हो गए हैं और इनका कहना है कि हर जन्म में ये वैसे ही पिता को चाहेंगे और अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर ये आगे बढ़े। हमारी ओर से इन्हें शुभकामनाएं और पुनः दीपक बाबू दीप के चरणों में सादर स्नेह सुमन अर्पण। स्वर्गीय दीपक कुमार दीप चाचा थे उमेश बाबू, एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता के होने के नाते मैं जदयू का भी वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष हूँ। आज मुझे गाँव में एक अभिभावक को खो देना, एक अच्छे जो अपने बेबाकी के नाम से पहचाने जाते थे, बड़ा दुख है। गांव में ऐसे गार्जियनों को चला जाना, हमें जब कभी कोई समस्या होती थी आसानी से इनको कहते थे, बात रखते थे, इन्होंने हम जैसे युवा तुर्क साथियों का हौसला बुलंद करते थे। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मैं नमन करता हूँ। आज हमारे बेगूसराय जिला कांग्रेस और मेरे परिवार के अपने गार्जियन हमारे दीपक चादीप के जो श्रद्धांजलि सभा में हम लोग आए हैं, वो हमारे ओन चाचा भी लगते थे क्योंकि उनका नानी घर हमारे घर में रामदीरी ही था। मैं अपनी परिवार की ओर से और पार्टी की ओर से उनके श्रद्धा समन अर्पित करता हूं, क्योंकि आज भी कांग्रेस हिंदुस्तान में दिखती है। इनके से ही कर्मठ योद्धा के वजह से हम लोग आज भी कांग्रेस हिंदुस्तान में जीवित है। फिर से मैं अपनी ओर से पार्टी की ओर से इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दीपक चा अमर रहे। तो अभी सुन रहे थे आप टुल्लू जी को। मैं भी संपूर्ण जिलेवासी की ओर से कांग्रेस के सिपाही वरीय कांग्रेस नेता दीपक कुमार दीप उर्फ उमेश बाबू को नमन करता हूं और संपूर्ण जिलेवासी की ओर से उनके प्रति भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को अपने दिलों में लेते हुए हम चाहेंगे कि आइए हम सभी उनके जीवन से प्रेरणा लें। और मनुष्य मरते हैं लेकिन उसकी कृति अमर है, हम कुछ ऐसा कर जाएं जो आने वाले समय में लोग दीपक बाबू दीप की तरह ही हमें भी याद करें। दीपक कुमार दीप जी हमारे चाचा भी थे और इस गांव के अभिभावक थे और हमारे तो प्रिय अभिभावक थे, और मैं उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में भी उसको उतारने का काम करेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। और वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और धार्मिक कार्यकर्ता भी थे। आपने देखा कि गायत्री जग में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनकी प्रेरणा से जग का सफल आयोजन हुआ और विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन सामाजिक आयोजनों में वह हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और उसमें काफ़ी ऊर्जा भरी हुई रहती थी और वह जवान लोगों की तरह युवाओं की तरह वह दौड़ दौड़ कर किसी भी काम में सबसे आगे नेतृत्व करने की उनकी क्षमता थी। और इन चंद बातों के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उनको अपने जगह स्थान दें। दीपक दा पहसारा गांव के हम लोग के गार्जियन थे, हम लोग उनके उंगली पकड़ के राजनीति के इस दौर में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। ये अलग बात है कि हमारी विचारधारा अलग थी, हम भाजपा में थे और दीपक दा कांग्रेस में थे, लेकिन वह सदा हम लोगों को मार्ग में प्रेरित करते थे कि राजनीति करते हो किसी भी दल में हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने दामन पे दाग नहीं लगने देना, एक स्वच्छ छवि की राजनीति करो, एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करो, तभी तुम एक कार्यकर्ता राजनीतिक कार्यकर्ता सफल कार्यकर्ता बन सकते हो। दीपक दा हम लोगों के बीच में नहीं रहे, हम लोगों के गांव में, हम लोगों के क्षेत्र में, हम लोगों के प्रखंड में, जिला में राजनीतिक रूप से बहुत कमी हुई है, एक सच्चे गार्जियन की बहुत कमी हुई है। हम लोग इस कमी को पूर्ति नहीं कर सकते हैं, वह हम लोगों को सदा याद आते रहे। देखिए जब से वो रहे हमको स्मरण है 1971-72 से लगातार आज तक वो कांग्रेस में ही रहे, हमको स्मरण है कि हम लोग सब दिन बैठते थे, चर्चाएं होती थी, लेकिन उस समय से लगातार वो कांग्रेस में रहे और अब तक उसी के रूप में विदा हो गए। सामाजिक थे ही, विचारधारा से कांग्रेसी थे मूल रूप से, और भावनाएं तो जब समाज में थे वो तो समाज के साथ ही, सबों से मिलना, सबों से एक साथ बातचीत करना, पूरे समाज में घूमना आज तक कभी नहीं हुआ,
कि कहीं किसी तरह की घटना हो वहाँ वो न उपस्थित हो, तो ये उनका सब दिन सामाजिक चरित्र था। और इसी के साथ उनकी लीला समाप्त हो गई। आप कौन हुए सर? जी मैं सुशील, उनका भाई। हाँ भाई, प्रभावित किया। सदैव प्रभावित थे कि हम उनके अभिभावकत्व में हम लोग पले बढ़े हुए, बड़े भाई थे हम लोग इनके भतीजे, और उनके अभिभावकत्व में हम लोग बड़े हुए। बस कुमार जी कांग्रेस के थे, नेता थे ही और समर्पित थे। यहाँ तक कि एक दफ़ा मुझे अवसर मिला कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी गुजर गई थी तो हम लोग को यहाँ चार पांच को लेके उनके हम लोग संस्कार में पहुँच गए दिल्ली। कांग्रेस का तो जुड़ाव उनसे था ही। ये चीज़ था कि वो हमेशा संगठन में ही रहते थे, वो उसमें संगठन की तरफ ही, वो विधायक उधायक या टिकट टुकट के चक्कर में वो कभी नहीं रहते थे, लेकिन पार्टी में वो संगठन के रूप में आप प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय थे, सब जगह उनको निश्चित रूप से हम लोग साथ घूमते थे तो उनको हमेशा परिचित लोग उनको नज़र मिल जाते थे। माननीय दीपक जी हमारे बड़े भाई थे और मित्र भी थे, बचपन से हम दोनों एक साथ रहे, एक जगह पढ़े लिखे, बेगूसराय में भी साथ रहे। सामाजिक जीवन उनका अच्छा था, सबों के लिए सरल और सुलभ उपलब्ध थे, वो मदद करने में किसी के पीछे उड़ाते ही नहीं थे, जो उनको पकड़ ले उसी के साथ उसकी मदद में। वो हमारे दो साहू थे लेकिन एक मित्र के ही रूप में हम लोग निर्वाहन किए, और छल प्रपंच शब्द ही नहीं था, लड़ झगड़ गए फिर तुरंत दोस्ती, वैसा व्यक्ति होना बहुत मुश्किल है, वैसा व्यक्ति का होना बहुत मुश्किल है। हम लोग उनको दीपक दा कहते थे, दीपक दा कांग्रेस पार्टी के नेता थे और समर्पित नेता थे, और सामाजिक काम में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे गांव में, और हम लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा, और पूरे गांव के साथ किसी कमज़ोर के प्रति कोई जुल्म अन्याय करता था तो उसके खिलाफ में उसके पक्ष में खड़ा होते थे, और कांग्रेस के वो सच्चे सिपाही थे। अरे वो तो उपकारी पुरुष थे, सबको मदद करते थे एकदम बिना कहे सुने। हमारे मित्र थे, बहुत भाग्यशाली भी थे, और उनकी तो गुस्सा भी था और श्रद्धा भी है, हर आदमी के साथ मिलते जुलते किसे चलती। उन्होंने तो ऐसा समाज में अगर ऐसा व्यक्ति हो तब तो किसी तरह का कोई। चाचा के साथ हमारे दोस्त भी थे, शुरू से पढ़े भी खेले कूद, अंत में चले गए, उनका आत्मा को शांति वो भगवान की जय। दीपक कुमार दीप हमारे गांव के एक प्रधान नागरिक थे और कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी थे, और गांव में उनका बढ़िया पैठ भी था, लोग उनको मानते थे, और इससे ज़्यादा क्या कहें। सामाजिक आदमी थे, बहुत अच्छा काम करते थे समाज के लिए, हमेशा तत्पर रहते थे, हम लोग बहुत नज़दीक से जानते हैं, बहुत प्यार करते थे हम लोग। दीपक जी बहुत सामाजिक आदमी थे, हर समाज दुख सुख सब में वो सहभागिता रहते थे, और उनका जीवन सुखमय रहे यही कामना करते हैं। उमेश बाबू के बारे में आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बहुत ही कमाल के आदमी थे, उनका जोड़ा नहीं हमारे गांव में, और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, वो सबके घर पर जाते थे और सब जान पहचान उनका था, और सबके कार्ड में हाथ बटाते रहते थे, और मर गए हम सुना हो गया, हमारा गांव सुना हो गया, हम लोग अब सुने में हैं, हम उनके चचा हैं, हमसे छोटा था, मर गया बेचारा, दो बच्चे हैं बैठे हुए, हम भी हैं, हम तो यहाँ जाएंगे, उनसे बड़े हैं तो हम भी जाएंगे, क्या करेंगे आप? अब उसके जोड़ा हमारा गांव में नहीं है। दीपक बाबू एक भले लोग तो थे ही, जैसा कि सब बोल रहे हैं, उसके अलावे मैं बोलता हूँ कि मैं इस गांव का नहीं हूँ लेकिन इस गांव से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ हमने पढ़ा, मैट्रिक पास किया, यहाँ हम शिक्षक का काम किए, इनका व्यवहार बहुत सुंदर था। अभी वर्तमान मरने से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ व्यक्ति थे, नेता कहिए,
समझ गए, और कांग्रेस की सेवा सब दिन करते रहे और करते ही चले गए। इसलिए हम भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका व्यवहार कांग्रेस के प्रति बहुत अच्छा रहा, गांव में भी शायद अच्छा ही कांग्रेस के प्रति होगा। दैट्स ऑल। एक बार एक राजा सारे लोगों को आत्मसात करने की जरूरत है, वो है उस महात्मा ने कहा कि हे राजन, व्यक्ति अपने व्यवहार विचार आचरण और कर्म से अपनी पहचान छोड़ता है, अपने पद से अपनी पहचान नहीं छोड़ता है। दीपक बाबू ने अपने जीवन के जितने भी जिंदगी उन्होंने जिया, अपने कर्म के माध्यम से, अपने व्यवहार विचार आचरण के माध्यम से जो अमित है, जिसको बिताया नहीं जा सकता, उस पद चिन्हों का अनुसरण किया जा सकता है, उस पद चिन्हों मानव तन प्राप्त होती और मानव तन की सार्थकता प्राप्त करने की सार्थकता तब सिद्ध होती है जब हम दूसरों के लिए भी, दूसरों के भी दुख दर्द को बांटने के लिए अपने कदम बढ़ाएं, दूसरे के दर्द को भी अपना दर्द महसूस कर उस दर्द को दूर करने के लिए जितना हमारा सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के साथ, निष्ठा और ईमानदारी के साथ उसकी सेवा के लिए, उसके सहयोग के लिए हम आगे बढ़ जाएं, यही मानव तन की प्राप्ति की सार्थकता है। इस सार्थकता के साथ जो दीपक बाबू ने अपने जीवन को जिया, हम उनके परिजनों से, उनके बच्चों से आग्रह करेंगे इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से कि आप भी उनके बताए हुए चिन्हों का अनुसरण करेंगे। ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, जितना आपसे हो सके आप समाज की भलाई के लिए, गरीब गुरबे की भलाई के लिए, शोषित वंचित के भलाई के लिए, उनके दुख दर्द को बांटने के लिए आप अपने कदम बढ़ाएंगे, हाथ बढ़ाएंगे, यह मेरी इस श्रद्धांजलि सभा में उनसे गुजारिश। और साथ ही इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से, इस संकल्प सभा के माध्यम से मैं उनके परिजनों को, उनके परिवार के सदस्यों को, उनके बच्चों को जो व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़े हुए भी हैं, हमारा और उनका संबंध मामू भगना का है, दीपक बाबू से मेरा साला बनने का रिश्ता रहा, जब कभी भी मिले तो बड़ी बेबाकी से हम ही कुछ का पल देते थे, वो हंसते हुए डाल देते। तो निश्चित तौर पर उनके परिवार के सदस्यों को कहना चाहते हैं कि जब कभी भी आपको हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता होगी, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, आपके एक आवाज पर आपके साथ कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर चलने के लिए तैयार रहेंगे। आपके हर सुख दुख में हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। दोस्तों, ताली श्रद्धांजलि सभा में मत बताइए। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में कह रहे थे मेरे पूर्व के साथी, दो तीन मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि वक्ताओं की लंबी कतार है और मैं आपके और भी बहुत सारे कार्यक्रम होने हैं। दोस्तों, कह रहे थे मेरे पूर्व के वक्ता साथी कि पद की सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक अभिभावक, मित्रों, नौजवान दोस्तों, चूंकि आज मैं कहीं 15 दिन पहले बाहर गया था और मैं सुबह आया तो एक हमारे साथी हैं शिशु जी से बातचीत हुई, उन्होंने ही खबर दिया कि दीपक दा नहीं रहे। कहा कौन दीपक दा? पसरा वाला। कहाँ क्या हुआ? उनका इंतकाल हो गया। क्या है? बदशा। ठीक है, हम कुछ और साथी से बातचीत हुई, कहा चलना चाहिए क्योंकि व्यक्ति शरीर से मरता है और उसका कर्म हमेशा जीवित रहता है। दीपक दा सामाजिक जीवन में थे और सामाजिक जीवन में कांग्रेस पार्टी को एक सिपाही की तरह लगातार रहे, लेकिन जब भी बरसारा या हम तमाम बरसारा हो, मझौर हो, तमाम इस इलाके में अगर कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता, कोई भी सामाजिक काम होता था
तो वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हम लोग से उनका पहला उन्होंने कहा तारीख 14 था, मेरी तिरंगा यात्रा में मस्त मालूम हुआ कि मेरे प्रिय साथी मेरा बहुत बड़ा प्रिय थे। कभी कभी कहते थे कि नारायण क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम बीहट के रहने वाले, और याद दिलाते थे कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो एक बार विदेश गए तो कहा कि राजनीति का राजीव जी कहीं ट्रेनिंग लेते हैं, विदेशों के मीडिया को वो जितने राष्ट्राध्यक्ष थे मालूम था, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित, महिला में उस जमाने में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ट्रेनिंग लेते हैं। कहा मछली के बच्चे को भी तैरना कोई सिखाता है क्या? तो दीपक जी याद करते थे, भूल गए नारायण जी कि रामचरित्र बाबू चंद्रशेखर सिंह तुम तो मछली के बच्चे हो यार। आज वो मेरा यार नहीं रहा। मैंने पूछा इधर कुछ दिनों से बुरा गया, क्योंकि कांग्रेस कमजोर हुआ, कांग्रेस कार्यक्रम कमजोर हुआ, दीपक कमजोर नहीं हुआ। आना जाना कम हो गया, भेंट नहीं होती थी। सुधाकर सिंह जी से अनुरोध करता हूं वो आवे और दो मिनट में श्रद्धा सुमन अर्पित करें। संचालन करता नावकोठी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सुरेश जी हमसे छोटा था, हमें छोड़कर वह चला गया। उपेंद्र बाबू आ गए हैं, आज ही बताता है कि दीपक कितना लोकप्रिय था। दीपक को एक कांग्रेस पार्टी से नहीं बांधकर सबसे बांधा जा सकता है, वह सबका, वह समाज सेवक का, राजनीतिक कार्यकर्ता का जो दायित्व बनता है सेवा, सेवा उसके हृदय में था। आज वह हमारे बीच नहीं, कबीर की उस पंक्ति पर जिस चादर को ओढ़ा साफ सुथरा उस चादर को रख दिया, तिरंगा कंधे पर लेकर चला और तिरंगा पर लिपट कर चला गया। आज हमारे बीच नहीं है, इसकी कृतित्व और व्यक्तित्व हमारे साथ है। मैं तमाम लोगों को कहूंगा, किसी भी राजनीतिक दल के लोग हैं, दीपक के कुशल कार्य से, दीपक की निष्ठा से वह दल निष्ठा व्यक्ति, कर्म निष्ठा व्यक्ति, हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज के इस संकल्प सभा में हम कुछ लेकर जाए। चदरिया लीनी रही, इन्होंने जो चादर ओढ़ा उस चादर में बेदाग चादर को छोड़ करके चले गए, और सबसे बड़ी बात है कि वह मुक्त पुरुष है। उसे सदगति दुर्गति दो बातें हैं, दोनों में गति है, गति यानी कि मोशन, और गति जो होता है जो कहा गया है जो कि तपह लोक को भेदन करके जो सत्य लोक तक जाए, बहुत ही मर्माहत है। मुझे उनका वो हंसमुख चेहरा आज भी याद आता है, वो सादगी के प्रतीक थे और सबसे मिलते जुलते थे। मुझे याद है 1967 में मैं जीडी कॉलेज में पढ़ता था और वो भी मेरे साथ पढ़ते, हमेशा उनका चेहरा हंसता हुआ, अच्छा दिल से एकदम साफ आदमी, ऐसे आदमी थे। वो एक
घटना याद आती है कि मैं एंशियंट हिस्ट्री का ऑनर्स कर रहा था। उस समय सच्चिदा बाबू वहाँ प्रिंसिपल हुआ करते थे और राधा बाबू एंशियंट हिस्ट्री के वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। तो हम लोग का क्लास जो एंशियंट हिस्ट्री का होता था ऑनर्स का, एक छोटे से कमरे में होता था। हम लोग एकदम छोटा कमरा था और वहीं पर लेक्चरर आते थे, पढ़ाते थे। तो हम और दीपक जी साथ में बैठे हुए थे, सामने में एक तो बिढ़नी का पोता था, बार बार वो तंग कर रहा था। तो हमें कागज़ से उसको हटाया, ऐसे बेचारे उनको काट लिया। हमको बहुत शर्मिंदगी महसूस हुआ, रोने में कोई शर्मिंदगी का कोई ज़रूरत नहीं। और हमारे बहुत ही वो निकट थे, आज हम लोग के बीच में नहीं हैं। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बहुत आदमी लोग बोल दिए हैं। मैं उनको अपने श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। साथ ही ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ना संदेश न जाने कौन सा देश तुम चले गए। आज दीपक कुमार दीप की श्रद्धांजलि सभा, आप सभी महानुभाव उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से सभी सम्मानित सज्जन वृंद की ओर से तहे दिल से हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको भगवान अपने पास जगह दे। हम लोग साथी थे, बहुत नजदीकी साथी, कॉलेज में तो साथ रहते हैं लेकिन उसमें हमारे साथ साथ बहुत सारी अंतरंगता थी दीपक से। और हम भी एंशियंट हिस्ट्री में थे, हम आलोक जी, जयप्रकाश जी, बिहट के बनारसी भाई, 10-15 आदमी थे। लेकिन हमसे ज्यादा नजदीकी हुआ करता था आलोक बाबू, तो बिरनी ही करा दिए उसको, आप सुने ही। तो दीपक पर हमेशा, अभी भी तुम शब्द से बहुत कम लोग हमको संबोधित करते हैं, चूंकि अब उम्र हो गया सब कुछ, लेकिन शुरू से अभी भी बात करता तो तुम ही करता, कहां हो तुम क्या, यह एक अलग बात है। वो किसी और पार्टी में, किसी और विचारधारा में, हम किसी और पार्टी, लेकिन जब कभी भी कुछ हो तो टेलीफोन करता था, कभी कभी जाता भी था। एक आध बार उनके भाई सुनील जी थे, शायद सुनील जी नाम था, और वकील है एक, वो भी उनके परिवार के ही है, राजकिशोर जी। मैं उपस्थित सभी सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान पर खड़ा होकर के स्वर्गीय दीपक बाबू के प्रति 2 मिनट का मौन धारण करें और ईश्वर से प्रार्थना करें उनके आत्मा को शांति दें। Thank you.